राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज। नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा बीजेपी का टूटा भ्रम, राम मंदिर पर राजनीति पर पूर्ण विराम। जेएनयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठी चार्ज का विरोध किया गढ़साना के एसएफआई छात्रों ने। मशहूर कलाकार पंकज शर्मा के खिलाफ जोधपुर में किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शहरी निकाय चुनावों के नतीजों पर बुधवार को बयान दिए। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों के परिणाम ने बीजेपी का भ्रम तोड़ दिया, शहरों में बीजेपी के मजबूत होने का भ्रम टूट गया है। निकाय नतीजों ने कांग्रेस सरकार और संगठन के कामकाज पर अपना मैंडेट दिया है। सरकार में कांग्रेस को जनता ने जो आशीर्वाद दिया था, अब वही दिया है। बीजेपी ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक भ्रम फैलाने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। बीजेपी के भावनात्मक मुद्दे इस चुनाव में नहीं चले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी एक खंडित विपक्ष है। सचिन पायलट ने कहा कि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इस पर राजनीति करने का वक्त बीत चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राम मंदिर पर बीजेपी की राजनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया। डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि सरकार ने गंभीरता से जनता से किए अपने हर वादे को पूरा किया, यही वजह है कि जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया। ४९ जगहों पर नगर निकाय के चुनाव हुए थे और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत बेहतर बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है। लगभग 21 जगहों पर स्पष्ट बहुमत है कांग्रेस पार्टी को और बाकी जगहों पर सहयोगी लोगों के साथ मिलकर हम बोर्ड बनाने की स्थिति में हैं। लेकिन ये जो परिणाम आए हैं, ये इस बात को दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो ये भ्रम था कि शहरी क्षेत्रों में उनकी जड़ें मजबूत हैं, वो भ्रम भी आज टूट चुका है और कांग्रेस पार्टी के संगठन, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो काम किया, सरकार के कामकाज को लोगों ने पसंद किया है और ये अतिशोक्ति नहीं है कि लगातार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को जनता आशीर्वाद दे रही है और ये जो शहरी नगर निकाय के चुनाव हैं ये बहुत उत्साह देने वाले चुनाव हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, सभी नेताओं ने काम किया और हमने टिकट वितरण से लेकर प्रचार सब हमारे ज़िले के नेताओं पर हमने जिम्मेदारी दी थी और सभी नेताओं ने जिम्मेदारी को निभाया है। हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए, जिन पर चुनाव लड़ा, जो विपक्ष के साथियों ने कोशिश करी चुनाव को डाइवर्ट करने की, भावनात्मक मुद्दों की बात करने की और ध्यान भटकाने की, वो लोग नाकाम रहे हैं। लेकिन अधिकांश जगहों पर एक प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है। मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कड़ी से कड़ी को जोड़ा है। और हमारे विरोधी साथियों को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस और कांग्रेस का कार्यकर्ता, जितना सक्रिय और मजबूत हम लोग विपक्ष में थे उससे ज़्यादा सक्रिय हम आज हैं और कांग्रेस संगठन को जो लोगों का आशीर्वाद मिला है कांग्रेस पार्टी को जीत के माध्यम से, वो हमेशा उसका हम आभार मानेंगे और दुगनी मेहनत से हमारी सरकार, हमारी पार्टी काम करेगी ताकि आने वाली सभी चुनौतियों का हम सामना कर सकें। तो वहीं जेएनयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का विरोध, गढ़साना एसएफआई ने गढ़साना उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि जेएनयू फीस वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज व हिरासत में लेने के विरोध में कल 20 नवंबर को एचआरडी मंत्री का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया। उपखंड गढ़साना प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं विकेश बिश्नोई के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। बिश्नोई ने बताया कि जेएनयू में मार्च निकाल रहे छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज करके उन्हें बुरी तरह से पीटा। वहीं एसएफआई गढ़साना तहसील कमेटी ने मांग की कि तमाम पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों व महिला प्रशासन को पुलिस कर्मियों को निलंबित करें। अगर आरोपी पुलिस कर्मियों पर जल्द कार्रवाई नहीं करती तो एसएफआई संगठन एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगी।
तो वहीं खबर चूरू जिले से। तारानगर तहसील के निकटवर्ती गांव बाई में आज चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री के अधिकारियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी रतनगढ़ के निर्देशों की पालना में बाएं गांव में प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट व निकोटीन मिनरल ऑयल युक्त पान मसाला वस्तुओं की रोकथाम के लिए कार्रवाई की गई, जिसमें मात्रा में माल नहीं पाए जाने की स्थिति में माल नहीं जाने पाए पर कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत धारा 4(6)(a)(6)(b) के अंतर्गत चालानिंग कार्रवाई को अंजाम दिया। चालान काटकर 650 रुपये की राजस्व वसूली की गई। उपरोक्त कार्रवाई में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल बाजिया, राकेश शर्मा, शिव सिंह शेखावत, दीनदयाल लुगारिया, देवीदान व PHC बाई के बलवान सिंह, सुभाष चंद्र साथ रहे। ग्राम पंचायत बाई में श्रीमान सीमो साहब के निर्देशानुसार हमारी कोटपा एक्ट की टीम और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गांधी के साथ में लेकर कोटपा एक्ट 2003 के तहत ग्राम पंचायत बाई में कार्रवाई की गई, जिसके अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल जो है उसके अंदर 6(b) के तहत 100 गज के अंदर तमाकू प्रोडक्ट जो है उसका नेट तो बेचा जा सकता है और नेट डिस्प्ले की जा सकती है। और इसी के साथ साथ हमारे ग्राम पंचायत बस स्टैंड के ऊपर भी धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई कि पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर तम्बाकू का सेवन करता है तो उसकी समझाइश की गई और जो भी टोबैको का प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले नहीं किया जा सकता, उसको दुकानों के अंदर रखा जाता है। इसके तहत ग्राम पंचायत बस स्टैंड के ऊपर भी चालान की कार्रवाई की गई। और वहीं चूरू के बीदासर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर कस्बे के प्रबुद्ध जनों ने उपखंड मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आवारा पशुओं के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है, इसलिए आवारा पशुओं व गौवंशों के लिए गले व सींगों पर रेडियम की पट्टियां बांधी जाए, जिससे रात्रि के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। वहीं ज्ञापन देने वालों में पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश भेंगानी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के याकूब मणिहार व कांग्रेस के वरिष्ठ कटार सिंह जाखड़ सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज उपखंड कार्यालय को ये एक शिकायत और ये एक सुझाव दिया गया है कि जो दुर्घटनाएं जो होती है उनसे निजात पाने के लिए आप जो पशुओं के सींगों पर है, आवारा पशु जो भी है शहर में घूमते हैं उनके सींगों पर रेडियम पेंट कराएं या जिनके सींग नहीं है उनके गले में रेडियम के पट्टे डालें ताकि ये दुर्घटनाओं से निजात मिले और नियंत्रण उन पर नियंत्रण हो सके। और खबर भीलवाड़ा से, सामूहिक विवाह सम्मेलन खर्चीली शादियां और दिखावे से बचने का संदेश देते हैं, मगर भीलवाड़ा में एक अनोखा विवाह सम्मेलन देखने को मिला। इस विवाह सम्मेलन की खासियत यह रही कि राष्ट्रीय प्रेम का जज्बा युवाओं में जागने की सीख के साथ सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन का समापन सड़क सुरक्षा नियमों की पालना व स्वच्छता की शपथ के साथ हुआ। भीलवाड़ा के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित सिखवाल समाज में के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 4 जोड़े विवाह सूत्र में बनकर हमराह बने। वहीं सम्मेलन की खासियत रही कि वात्सल्य सेवा संस्थान के बैनर तले हुए इस आयोजन की शुरुआत वर वधुओं ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने और जनगणमन राष्ट्रीय गान के साथ हुई। इसके बाद में निकाली गई बिंदौरी में हाथी घोड़ों की पालकी के साथ बराती राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारत माता की जयकारे लगाते चल रहे थे। यह पहला मौका था जब शहर में ऐसी शादी हुई जिसमें फिल्मों धुनों की जगह राष्ट्रभक्ति गीतों पर बराती थिरकते नजर आए। शादी समारोह के दौरान स्मृति ने वरवधु को समाज के दानदाताओं ने स्कूटी भी प्रदान की, तो वहीं परिवहन विभाग के निरीक्षक ने उन्हें हेलमेट भी प्रदान किए। यातायात नियमों की पालना व सड़क सुरक्षा की मद्देनजर युवाओं को सड़क सुरक्षा का संकल्प भी दिलाया। वहीं विवाह समारोह में अंत में फेरों के बाद दंपतियों को स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया। वात्सल्य सेवा संस्था की ओर से वरवधु के माता पिता को तिरुपति हवाई यात्रा के टिकट भी प्रदान किए गए। एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में सारे जोड़े आते हैं, सामूहिक विवाह सम्मेलन में पूरा समाज आता है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अधिक से अधिक जोड़े सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लें। विवाह सम्मेलन में कम खर्चा होता है और दोनों परिवार एक साथ मिलकर विवाह करते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सब सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लें, सारे समाज वाले। भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक ये विवाह है जो इसकी प्रेरणा पूरा भारत लेगा। जो ये तीसरा सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है, इसमें देखते हुए पूरे जो अपने सैनिक हैं उनकी गरिमा को समझते हुए बच्चों के साथ
ये राष्ट्र ध्वज पैदा करके इसका शुरुआत किया, न कि समाज का कोई ध्वज था, ये राष्ट्र ध्वज था। इनकी धुन, इनके युवा पीढ़ी जो प्रेरणा लेकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। वात्सल्य संघ संस्थान है जिनकी ओर जो सामूहिक विवाह जो किया जा रहा है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये देश में अखंड और भाईचारे की भावना इससे बढ़ती है और पैसा कम खर्च होता है। और दूसरी चीज़, उन्होंने जो स्कूटी दी है उसके साथ में हेलमेट भी दे रहे हैं कि नव वर वधू जिनको नया जीवन साथ में रहने का मौका मिला है, उनको जीवन को साथ में जिया जाए। और सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, उसको हमने महत्वपूर्णता देते हुए उनको एक हेलमेट दिया है ताकि हम उनके जीवन की भी पूरा हम उनका जीवन की रक्षा करें। और हमारा कर्तव्य है कि वो दोनों वर वधु जीवन पर्यंत सुरक्षित रहें, जीवित रहें। इसको देखते हुए हमने सड़क सुरक्षा के नियमों की भी पूरी पालना हो, इसलिए साथ में टू व्हीलर के साथ में हेलमेट भी हमने दिया है ताकि वो अपने जीवन की रक्षा खुद करें और लंबा जीवन जिए। दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो वहीं भीलवाड़ा जिले के शकरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित माधोपुरा गांव में गोली मारकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक बाल अपचारी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 2 देशी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस व 1 स्कॉर्पियो गाड़ी और 1 पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की। ये आरोपी कोटा के हिस्ट्री शीटर है और कई मामलों में वंचित भी चले रहे हैं। पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर ने कहा कि कोटा से एक बाल अपचारी सहित 6 व्यक्ति मांडलगढ़ से किसी रिश्तेदार के समारोह में भाग लेकर वापस जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक ग्रामीण को अकेला पाकर उसका मोबाइल छीन लिया। इस पर वह ग्रामीण भी इनका पीछा कर रहा था और उनसे माधोपुरा गांव में रोका, जिस पर उन्होंने उस पर गोली चलाई। इसके बाद ग्रामीण बाहर निकल गए और इस बीच उनके द्वारा चलाई गई गोली लालाराम के लग गई और उसकी मौत हो गई। वहां से ये आरोपी भाग निकले और कई जगहों पर पुलिस की नाकाबंदी भी तोड़ी। इसमें पुलिस की एक टीम का गठन किया जिसमें आरोपियों की CCTV फुटेज और कोटा पुलिस के माध्यम से शिनाख्त की। इस दौरान शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर 2 आरोपियों को नाकेबंदी के दौरान पकड़ लिया, जिन्होंने निशानदेही पर बाकी के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। रात को शकरगढ़ थाना क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर की जो घटना हुई थी, उस घटना का पर्दाफाश करने में पुलिस को 24 घंटे से भी कम समय लगा है। इस घटनाक्रम में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी। घटना के अंदर शामिल 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए, दस्तियाबी के लिए सघन प्रयास किए गए। रात भर थाना क्षेत्र के अंदर एडिशनल SP साहिबान, CO साहिबान और SHO साहिबान सभी टीमें लगातार कॉम्बिंग करती रही, जिसकी वजह से बदमाशों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता हासिल हुई। इस घटनाक्रम में शामिल मुख्य अभियुक्तों में से जिन लोगों ने फायरिंग की, उनमें से 2 अभियुक्त हमारी पकड़ में हैं। इसके अलावा इनको सहायता देने के लिए, छुड़ाने के लिए या इनको बचाने के लिए जो आए, इनके सहयोगी के रूप में 4 लोग, उनको भी हमने दस्तियाब करने में सफलता हासिल करी है। बदमाशों के कब्जे से 2 देशी कट्टे और 3 लाइव राउंड्स भी बरामद किए गए हैं। बदमाशों द्वारा जो मोबाइल सबसे पहले जो लूटा गया और उसके बाद इन्होंने 2 जगह फायरिंग की, उस घटनाक्रम में देखते हुए और घटना की गंभीरता को देखते हुए टीमों का गठन किया गया और साइबर टीम और कोटा पुलिस की हमें विशेष सहायता मिली, जिसकी वजह से हम ये घटनाक्रम का पर्दाफाश कर पाए। और अब आगे की कार्यवाही इसमें जारी है और जिस प्रकार की भी आगे इन्वेस्टिगेशन आएगी उसी के आधार पर आगे कार्यवाही। पुलिस पर भी फायरिंग की, इसके जो सहयोगी आए इसको बचाने के लिए या इनको छुड़ाने के लिए जो सहयोगी आए थे, उनके द्वारा पुलिस दल के ऊपर थाने की नाकाबंदी को तोड़ते हुए गाड़ी को भी चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसकी आवाज में फायरिंग भी हुई। और उन खबर जोधपुर से, जहां राजस्थान के जाने माने व मशहूर मारवाड़ी कलाकार पंकज शर्मा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के बैनर तले जोधपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मानवाधिकार प्रदेश अध्यक्ष किशन गोयल ने बताया कि पंकज शर्मा की कॉमेडी के अंदर आजकल असामाजिक बातें चल रही है जो समाज को, युवा पीढ़ी को गलत संदेश दे रही है। हाल ही में पंकज शर्मा और उनकी एक साथी द्वारा फेसबुक पर लाइव आकर अशोभनीय टिप्पणी भी की गई, जो कि एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। इसके पूर्व में भी पंकज शर्मा के खिलाफ संतों के प्रति गलत तरीके से कॉमेडी बनाकर सोशल मीडिया पर डाली गई थी, जिसका विरोध करने के बाद माफी मांग ली गई थी। इस मौके पर प्रीतिम सिंह चौहान, धर्मेश उपाध्याय, सांगेश कुमार भाटी, जोगाराम राठौड़, रमेश पटेल समेत कई अन्य लोग मौजूद थे।
हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पंकज शर्मा के खिलाफ जबरदस्त मुहिम शुरू हुई है, जिसको लेकर लोगों में काफी जागरूक अभी आ रही है। लोगों का कहना है कि पंकज शर्मा द्वारा बनाई गई कॉमेडी अश्लील बातें युवाओं को परोस रही है। फैला रहा है और इस तरह की वीडियो वायरल कर रहा है, जो कहीं कहीं राजस्थान की परंपरा और संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान देगा। उसको लेकर हमने आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन की बैठक कर ले ज्ञापन का प्रोग्राम रखा है और विशेष कर हमारी सरकार और प्रशासन इस मामले में मांग है कि इस तरह की अस्थिरता और हल्की और ऊंची लोकप्रियता के कारण जो ये रेगुलर कर रहा है, लगातार कर रहा है, आगे भी पूर्व में भी कई तरीके इन्होंने की है और इससे पहले भी कई मामलों में समाजों की माफ़ी मांग चुका है और पूर्व में ये गोस्वामी समाज के खिलाफ भी संतों के खिलाफ टिप्पणी की थी, उस पर भी इसने माफ़ी मांगी थी और उसके बाद लगातार ये आए दिन सोशल मीडिया पर युवाओं को भ्रमित करने वाले पोस्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं ये भारतीय राजस्थान की परंपरा और संस्कृति को नुकसान रहेगा और भारतीय और राजस्थान की परंपरा और संस्कृति को बचाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ज्ञापन के लिए ज्ञापन देने के लिए। आपका परिचय? जी, मेरा नाम किशन गोयल है, मैं प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से और विशेषकर इसके खिलाफ हमने अभियान चलाए हैं कि सरकार से हमने मांग की है और ज्ञापन के जरिए हमने सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों को बैन किया जाए और शर्मा फिल्म स्टूडियो को और पूरी टीम को बैन किया। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहाँ छिंदवाड़ा जिले में जनपद पंचायत पांडूरना जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खेड़ी कला के राजा सचिव रामराव कुमार, इनके ही आदेश से ग्राम पंचायत के सारे निर्माण कार्य और सारे फर्जी मास्टर ट्रोल हाजिरी लगाई जाती है। जनपद पंचायत पांडूरना के अधिकारी भी इनको ग्राम पंचायत पर कार्यवाही करने से कतराते हैं। सचिव महोदय का 15 दिन में पंचायत आना, ग्राम पंचायत का ना खुलना, ग्राम पंचायत के राजा रामराव कुमरे के ऊपर। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत का जो भी काम यदि ग्रामीणों को करवाना है तो उनको सचिव महोदय के आगे पीछे महीनों इंतजार करना पड़ता है। ग्राम पंचायत पर फर्जी मास्टर ट्रोल भरकर राशि का आहरण करना इनकी फितरत पर है। जो इंसान मटेरियल सप्लायर करता ही नहीं, उसके नाम की फर्जी फर्म बनाकर सचिव सरपंच महोदय के द्वारा लाखों की राशि का आहरण कर लिया गया। सचिव सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत पर इतना भ्रष्टाचार किया कि कहना भी दूर है। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत खेड़ी कला में टैंकर चोरी भी हो गया, उसके बाद भी सरपंच सचिव की नींद नहीं जगी। सरपंच सचिव इतने कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं कि टैंकर कहां और किसने चोरी किया उनको अभी तक पता नहीं। फिर भी पंचायत के द्वारा पानी सप्लाई के नाम पर हजारों का राशि का गबन किया गया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत खेड़ी कला में हो रहे भ्रष्टाचार का पता जनपद पंचायत पांडूरना के सीईओ से लगाकर पंचायत इंस्पेक्टर तक को भी पता है। पर कहते हैं ना कि राजा राजा होता है। जनपद पंचायत पांडूरना के अधिकारी ग्राम पंचायत खेड़ी कला में कार्यवाही करने से डरते हैं। जब डीपी के न्यूज चैनल के द्वारा ग्राम पंचायत खेड़ीकला के सरपंच सचिव की अनियमितताएं जनपद पंचायत पांडूरना के सीईओ को बताया गया तो उन्होंने टालम टोल कर दिया और उसके बाद फोन उठाना भी बंद कर दिया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनपद पंचायत पांडूरना के अधिकारी कैसे ग्राम पंचायत खेड़ीकला के सचिव सरपंच को भ्रष्टाचार करने का मौका दे रहे हैं। अब देखना यह है कि डीपी के न्यूज चैनल के द्वारा जो मामला उठाया गया है उस पर जनपद पंचायत पांडूरना के अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। पद्माता खंडा, क्या ग्राम पंचायत क्या क्या समस्या है? समस्या क्या है, ये समस्या अभी लोगों ने बताया है। क्या समस्या आप बताइए ना, आप बताइए समस्या क्या है, अभी लोग बोल रहे हैं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या समस्या? रोड बनने का है। अभी रोड नहीं बनी है, इधर का रोड बनने का है। अभी कहीं का रोड नहीं बना है? बना है नहीं बना? सीसी रोड बन गई। और क्या समस्या है ग्राम में? पानी की समस्या है, यहाँ टैंकर नहीं है। टैंकर नहीं है? टैंकर कहाँ गया? टैंकर तो है ग्राम पंचायत। टैंकर कहाँ गया? चोरी गया बोलते। इसकी कंप्लेंट लोगों ने दर्ज नहीं करवाई है? लोगों ने नहीं किया, सरपंच ने किया था। क्या समस्या? समस्या तो भरपूर है, देखो ना, आपने गंदगी देखी ना, आपने यहाँ पे ट्यूबवेल के पास भी गंदगी है, टैंकर का पता नहीं, अभी जो बोलते आनंद उत्सव का पता नहीं, 60 किलो ली निकाली बोलते उस टाइम कुछ पता नहीं, बताते नहीं ना पंचायत। जब सचिव को जरूरत रहती है तब सचिव आता पंचायत खोलने, तब तक तो आता नहीं, जब उसको कोई काम लिखा पढ़ी कर रहा तब खोलता नहीं, तो पंचायत खुलती नहीं।
ग्राम पंचायत खुलती नहीं है, नहीं खुलती, वो लड़का वो बैठता बेचारा, वो इसको रखा है वो खुलती नहीं है पंचायत, नहीं खुलती, फिर वो उसको काम हो रहा था वो खोलता है, सचिव नहीं आता, सचिव आते ही नहीं है, जरूरत पड़ेंगे तो बताओ। खेती बाड़ी देखने में पानी की समस्या बताया अभी हमको लोगों ने, पानी की समस्या है करके, तो टैंकर चोरी चला गया है, शिकायत वगैरह इन लोगों ने दर्ज करवाए कहीं, उन लोग ये बोलते हैं पता नहीं किया कि नहीं किया, बोल रहे किया कर पूछा था उनको 15 अगस्त में, हमने यहाँ खेल कूद वगैरह आना उत्सव वगैरह मनाया जाता है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मनाया जाता, सरपंच सचिव को मतलब ग्राम पंचायत में कोई ध्यान ही नहीं, कोई ध्यान नहीं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK News।